तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों दोस्तों, हो जाइए सावधान, महादेव ने आपके सर पर हाथ रख दिया, अब आपके बिगड़े से भी बिगड़े बनेंगे। जी हाँ तुला राशि वालों, ग्रहों का ऐसा संयोग सालों में बस एक बार बनता है, अब पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकने वाली है। जी हाँ तुला राशि वालों, अगले 3 दिनों में आपके 5 बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी। दोस्तों वो कौन कौन से 5 इच्छाएं पूरी होने वाली है, यह जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। आपको बताएंगे कि आने वाले अगले 3 दिनों में आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो वहीं आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। बेरोजगार लोगों के लिए कौन कौन से शुभ एवं कौन कौन से अशुभ समाचार लेकर आने वाले हैं, प्रेमी जोड़ों में क्या क्या चेंजिंग होने वाले हैं, कौन कौन सी सावधानियों को आपको पालन करनी होगी, स्टूडेंट लाइफ के लिए समय कैसा रहेगा, कौन कौन से परिणाम उन्हें देखने को मिलेंगे, नौकरी पैसा जातकों के लिए, रोजी रोजगार के लिए व प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से महापरिवर्तन होने वाले हैं, इसकी संपूर्ण भविष्यवाणी करेंगे आज की इस वीडियो में। तुला राशि वालों आपको करना क्या है, कुछ नहीं, केवल वीडियो को अंत तक देखना है और इस वीडियो में बताई गई हर एक बातों को ध्यान से सुनना है और जरूरत पड़ने पर आप इन बातों को अपने जीवन में अमल करना है। जिंदगी परिवर्तित अपने आप होने लगेगा। सबसे पहले जो भी सच्चे शिव भक्त हैं वीडियो को लाइक जरूर करें और सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, कालों के काल, जय श्री महाकाल लिखते ही आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे, तो आप जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी के लिए एक अनमोल ज्ञान, जरा ध्यान से सुनिएगा, यह अनमोल ज्ञान आपको अपने जीवन काल में बहुत काम आएगा। देखिए दोस्तों, परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं और पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं। और अगर यही परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराए अपने, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो चुका है। यह बात अगर आपको अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कहिएगा सही बोले। चलिए जानते हैं किस तरह से भगवान महादेव का कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ने वाला है और कौन कौन से बदलाव होने वाला है। हर एक बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा। तुला राशि वालों, अनुकूल समय है आपको अपनी योग्यता और कार्य कुशलता द्वारा उम्मीदों से ज्यादा लाभ मिलेगा। पारिवारिक सुख सुविधाओं की शॉपिंग करने में खर्चों की अधिकता रहेगी, लेकिन तुला राशि वालों परिवार में प्रसन्नता और उमंग भरा माहौल रहेगा। आपको अपनी वस्तुओं को संभाल कर खुद ही रखना होगा। लापरवाही इस समय आपको नहीं करना है। किसी के साथ भी बातचीत करते समय अनुचित शब्दों के प्रयोग करने से वाद विवाद जैसी स्थिति अभी बन सकती है। जी हाँ तुला राशि वालों, अभी निर्णय लेने में भी कुछ डमाडोल जैसी स्थिति बनी रहेगी। आपको सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय पारिवारिक तथा व्यवसायिक गतिविधियों में संतुलन बनाकर रखने से घर में अशांति और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। आपको बताना चाहेंगे कि आज का दिन जो है, शुरुआत में ही अपने कामों की रूपरेखा बना लें। दोपहर के बाद परिस्थितियां कुछ ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगी। कहीं भी निवेश अथवा लेन देन करना अभी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। किसी भी तरह की दिक्कत आने पर अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें, क्योंकि आपका खुद का निर्णय गलत भी हो सकता है। अगर आपके घर में कोई एक्सपर्ट व्यक्ति, कोई जानकार व्यक्ति है, तो आप उनका जो है सलाह ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इस समय किसी संबंधी के साथ मतभेद होने की आशंकाएं बन रही है, आपको अपने वाणी की जो है मधुरता को बनाए रखना होगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। गिले शिकवे दूर करने से आपसी संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी और आपके समय जो है काफ़ी ज़्यादा उत्तम है और सरल स्वभाव की वजह से समाज में भी आपकी मान सम्मान बनी रहेगी।
विद्यार्थियों का अपनी पढ़ाई पर अधिक से अधिक ध्यान जो है केंद्रित रहेगा। अगर कोई समस्या है तो उनका भी समाधान उन्हें आज मिल जाएगा। वही दोस्तों, किसी भी योजना को जल्दबाजी और लापरवाही से क्रियान्वित ना करें। किसी भी निकट संबंधी द्वारा कोई अप्रिय समाचार मिलने से मन कुछ उदास रह सकता है। इस समय अपनी योजनाओं पर काबू रखना अभी आपके लिए बेहद जरूरी है। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, समय सुखद समय व्यतीत होगा और दूसरों से मदद लेने की बजाय अपनी कार्य प्रणाली और कार्य क्षमता पर ही विश्वास रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पुराने मित्र से आपकी मुलाकात को तरोताजा करेगी। एकांत अथवा किसी आध्यात्मिक स्थल पर कुछ समय व्यतीत करने से मानसिक सुकून मिलेगा और अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत ही मेहनत करने और फोकस करने की जरूरत है। जितनी ज्यादा मेहनत आप करेंगे उतनी बड़ी कामयाबी अभी आपकी जो है मिल सकती है। और इस समय रुपये पैसे संबंधित कोई भी लेन देन ना करें वरना मुसीबत में फंस सकती हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बनाकर रखना आपको जो है वर्तव्य रहेगा। वही दोस्तों, अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय व्यवसायिक मामलों में तुरंत फैसले लेने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत अधिक सोच विचार करना, समय तथा लगाना आपके लिए नुकसान दे सकता है और ऑफिस में काम करने के तरीकों में बदलाव की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप कुछ नई चीज़ों का शुरुआत करेंगे तो आपको जो है शुरुआती में दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है और अपने जो है सहन शक्ति बनाए रखना है, आपको जरूर उसमें सफलता मिलेगा। इसके उपरांत बिजनेस में नई गतिविधियों में शुरू करने की योजनाएं बनेगी। कोई भी व्यवसायिक संबंधी दिक्कत आने पर वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों की सलाह लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। ऑफिस संबंधित डॉक्यूमेंट जो है आप इस समय कंप्लीट रखें। कोई भी समय जांच पड़ताल हो सकता है और आपके दिक्कत परेशानी बढ़ा सकता है, इसलिए आप अपना जो है कागजातों को इस समय संभाल कर रखें, अभी आपके लिए ही उत्तम रहेगा। व्यवसाय में अधिकार जो कारभार की वजह से व्यस्तता बनी रहेगी, बेहतर होगा कि वर्तमान गतिविधियों पर ही एकाग्र रहें। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी डील होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी पैसा लोग अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा सफल रहेंगे। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, पारिवारिक संबंधी छोटी मोटी समस्याओं को ज़्यादा तुल ना दें और छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें तो इससे में जो है रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और रिश्ते काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेंगे। समय अनुसार अपने स्वभाव में भी बदलाव लाएं, प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, आपको इस समय व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखना ही उचित रहेगा। वही दोस्तों, अगर आपकी हेल्थ यानी कि सेहत को लेकर बात करें तो यह समय अत्यधिक तनाव और थकान की वजह से नींद न आने जैसी समस्या रह सकती है, जिसकी वजह से सिरदर्द और माइग्रेन का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके लिए बेहतर यही रहेगा अपने सेहत का ख्याल रखना आपके लिए उचित रहेगा।